फ्रेंड्स, कभी-कभी हम सिर्फ घूमने निकलते हैं किसी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, पर वहां जाके पता चलता है कि ये जगह तो इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक ऐसी जगह जिसका इतिहास लोग जानते नहीं हैं, पर वहां आते जरूर हैं क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर वीकेंड डेस्टिनेशन बन गया है। दोस्तों, हम मंदरगिरी हिल्स की बात कर रहे हैं, जो बेंगलोर से करीब 75 किलोमीटर दूर है और टुमकूर के पास है। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपको हमारे इस चैनल माई टेम्पल ट्रिप्स पे। आज हम आपको मंदरगिरी हिल्स लेके चलेंगे, पर हमारा मकसद आपको वहाँ के वादियों के बारे में बताना नहीं है, बल्कि हम वहाँ के मंदिरों की बात करेंगे, उनके इतिहास की बात करेंगे, हम उनकी इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश करेंगे आपको। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी वहाँ जरूर जाना चाहेंगे। सो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे, कितना टाइम लगता है, पार्किंग और बाकी इंतज़ाम कैसा है, और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर का इतिहास क्या है। पहले जानते हैं कि वहां पे है क्या। मंदरगिरी हिल्स एक पॉपुलर जैन पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, और यहाँ हिल टॉप पे चार बहुत ही पुराने दिगंबर जैन मंदिर हैं। लेकिन इस पहाड़ी के तल पे एक खूबसूरत मोर के पंख के आकार से बना हुआ एक मंदिर है, जिसे यूनिक मंदिर का अवार्ड भी मिला हुआ है। और वहीं यहाँ पर श्री चंद्रनाथ तीर्थंकर जी की एक स्टैंडिंग मूर्ति भी है, जो आपको श्रवण बालेगोला के श्री गोमतेश्वरा स्टैचू की तरह दिखाई देगी, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। फिर उसके बाद आपको पहाड़ी के ऊपर मेन मंदिर दिखाई देगा। ऊपर चढ़ने के लिए करीब 450 स्टेप्स हैं और आपको करीब 20 से 30 मिनट लगता है। ज़्यादा स्टीप नहीं है ये स्टेप्स, आप आराम से चढ़ सकते हैं, बस ये ध्यान देना पड़ता है कि अगर बच्चे साथ में हैं तो भागे नहीं। ऊपर आपको चार एंशियंट मंदिर मिलेंगे, जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके और आगे बात करेंगे। पर ऊपर से नज़ारा बहुत ही सुंदर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर पहाड़ी के पीछे की तरफ एक बहुत ही बड़ा लेक है, जिसे मईटाला लेक भी कहते हैं, और पीछे से उतर के आप उस लेक पे जा सकते हैं। लेक का बीच काफ़ी शैलो है, वहाँ आप बीच में पानी के थोड़ा अंदर जा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि लोग वहाँ पर नहाते भी हैं, जो शायद उतना सेफ नहीं है और रिकमेंड नहीं करें, क्योंकि पानी गंदा भी हो सकता है। पर दोस्तों, ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वन डे ट्रिप के लिए। बेंगलोर के आसपास पहाड़ी के ऊपर मंदिर, उसके आसपास लेक, सुंदर नज़ारा, बड़े बड़े बाउल्डर्स, फोटोग्राफर्स के लिए पैराडाइस है। लेकिन हम तो बात करेंगे यहाँ के मंदिर के बारे में और यहाँ के इतिहास, मंदिर के इतिहास के बारे में। तो चलिए थोड़ा इतिहास के बारे में मंदिर के हम जान लेते हैं। यहाँ पर हिल टॉप पे चार मंदिर हैं, इसमें से दो मंदिर जैन तीर्थंकर श्री चंद्रनाथ जी को डेडिकेटेड हैं, जिसमें से एक मूर्ति कायोत्सर्गा और दूसरी मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है, या पोस्चर में है जिसे हम कहते हैं। और बाकी दो मंदिर श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर और श्री शुभ पार्श्वनाथ तीर्थंकर जी को डेडिकेटेड है। ये चारों मंदिर एक कंपाउंड में है, जिसके चारों ओर एक बड़ी सी दीवार है, और ये जो कंपाउंड है वो पहाड़ी की चोटी पे है एकदम। सो जब हम वहाँ गए तो वहाँ कुछ और कंस्ट्रक्शंस भी चल रहा था, शायद मंदिर के सामने की दीवार पे थोड़ा सा और उसको एलिवेट करके थोड़ा और स्ट्रक्चर को बेटर बनाया जा रहा था। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर पाए गए इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो 1160 AD के हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मंदिर लगभग उतना ही पुराना है। यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस में इस जगह को दिव्य तीर्थम भी कहा गया है। इन मंदिरों को जैन बसाड़ी भी कहते हैं, और यहाँ के इंस्क्रिप्शंस में पद्मावती केरे का जिक्र मिलता है। केरे का मतलब होता है तालाब या पॉन्ड। पहाड़ पे ही मंदिर के बिल्कुल पीछे एक छोटा सा पॉन्ड है, और शायद इसी को पद्मावती केरे कहते होंगे। फिर पहाड़ के नीचे पीछे की तरफ एक बहुत ही बड़ा का मतलब बहुत ही बड़ा मैदाला लेक है, जिसे मैदाला केरे भी बोलते हैं। यहाँ से सारे टेम्पल्स और लेक के बारे में जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उनसे इनका इतिहास जो है वो 10th सेंचुरी तक जाता है। इसलिए दोस्तों, ये हमारी एक पुरानी धरोहर है, जिसे आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे।
अगर आप यहाँ अगल बगल थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ पर पहाड़ पे बाउल्डर्स यानी बड़े बड़े जो पत्थर हैं उस पे जैन पेंटिंग्स और कुछ और मंदिरों के अवशेष मिलेंगे जो शायद समय के साथ मिट गए हैं पर इस जगह के पुराने महत्व को दर्शाते हैं। आप पीछे जा करके लेक के पास कुछ वक्त एंजॉय कर सकते हैं और फिर वापस आके नीचे गुरु मंदिर और श्री चंद्र कांत तीर्थांकर के स्टैचू के दर्शन भी कर सकते हैं। गुरु मंदिर एक मेडिटेशन सेंटर है, मोर के पंख के आकार का बना हुआ है और एक यूनिक मंदिर है। चलिए यहाँ पहुँचे कैसे है? अगर आप बैंगलोर से ड्राइव कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस करीब 75 किलोमीटर्स पड़ेगा। रास्ता एकदम सीधा है, अगर आप गूगल मैप लगा लेते हैं तो आपको बिल्कुल ऑन द स्पॉट लेके जाएगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो आप पहले टुमकूर आ सकते हैं और टुमकूर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है और आपको टैक्सी मिल जाती है। पार्किंग की यहाँ पर्याप्त जगह है और पार्किंग फीस आज के समय में 40 रुपये है। रास्ता एकदम बढ़िया है और रास्ते पे खाने पीने के लिए अच्छा इंतजाम है, पर पहाड़ के आसपास कुछ खास नहीं है। एक दो दुकानें हैं जहाँ से पानी और स्नैक्स वगैरह मिल जाता है। सो दोस्तों जरूर जाएं, अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा वन डे ट्रिप हो सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दोस्तों डू शेयर योर फीडबैक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।